दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में दो आतंकी गिरफ्तार। दरभंगा पार्सल धमाके पर सियासत गरमाई, CPIML ने BJP पर लगाए साजिश के आरोप। दरभंगा के दो दर्जन गांव हर साल बाढ़ में होते हैं प्रभावित, वहां के निवासी जीते हैं खौफ में। कृषक विपणन समूह के गठन में मखानों को दे प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण। DM नहीं रहे कुशेश्वर स्थान के जदयू विधायक शशिभूषण हजारी। पिता ने फौजी के रूप में लड़ी 1962 की लड़ाई, दोनों बेटे बने आतंकी, जानिए पूरी कहानी। दरभंगा में योजना का लगा बोर्ड, सड़क निर्माण कार्य रह गया अधूरा। बिहार में BEd की प्रवेश परीक्षा टली, 33,000 सीटों पर होना है एडमिशन। अगस्त से नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे इनके नाम। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की जांच में NIO को मिली बड़ी सफलता। अब खबर विस्तार से। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में दो आतंकी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन में हुए ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को हैदराबाद से लश्करे तैयबा के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। आतंकवादियों ने चलती यात्री ट्रेन में एक बम लगाया जिसमें कई लोग की जान चली गई। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक के रूप में हुई है। दरभंगा पार्सल धमाके पर सियासत गरमाई, CPIML ने BJP पर लगाए साजिश के आरोप। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल धमाके को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। 30 जून को CPI माले की जांच कमेटी दरभंगा पहुंची। इस कमेटी में माले के दो विधायक भी मौजूद रहे। जांच के दौरान दोनों विधायकों ने संबंधित अधिकारियों से बात की। दरभंगा के दो दर्जन गांव हर साल बाढ़ में होते हैं प्रभावित, वहां के निवासी जीते हैं खौफ में। बेनीपुर अनुमंडलीय क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांव के लोगों को प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक साल स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाने का छूट आश्वासन दिया जाता है। बाढ़ आने के कारण किसानों के सैकड़ों खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती है। बाढ़ के कारण अनुमंडलीय क्षेत्र के बलनी, फतलाहा, कल्याणपुर, महदई, जरीसो, लवानी, तिरमोहानी, चकौली, कैरबाकोट, माधोपुर, रेडियाम, शिवराम, महिनाम, पौधी, सज्जनपुरा, मल्लौल, कन्हौली, दखराम, जरीसो, हनुमाननगर, करहौल, लहटा, तुमौल, सोहित की लगभग 70,000 की आबादी के लोगों को तबाही सामना करना पड़ता है। कृषक विपणन समूह के गठन में मखानों को दे प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण। DM जिलाधिकारी सह आत्मशासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने आत्मा के निदेशक को कृषक विपणन समूह का गठन करवाने का निर्देश दिया, खासकर मखाना के क्षेत्र में, ताकि अन्य जिलों के उद्यमियों को निम्न पर दर में मखाना उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इसमें मखाना कृषि का प्रोत्साहन मिलेगा। वो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकार आत्मा के शासी परिषद की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वर्ष 2019-2020 के योजना व्यय की संपुष्टि एवं वर्तमान के वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की योजनाओं के अनुमोदन पर विचार किया गया। वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित किया गया। वर्तमान वर्ष की योजनाओं में राज्य के बाहर 360 किसानों का प्रशिक्षण दिलवाने का, राज्य के अंदर 864 एवं जिले के अंदर 2,520 किसानों को प्रशिक्षण दिलवाने का लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अब तक राज्य के बाहर 318, राज्य के अंदर 3,750 एवं जिले के अंदर 3,600 किसानों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। नहीं रहे कुशेश्वर स्थान के जदयू विधायक शशिभूषण हजारी। दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशिभूषण हजारी अब नहीं रहे। उनका निधन बुधवार की देर रात दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। वे 56 वर्ष के थे। स्वजनों के मुताबिक विधायक डायबिटीज, नस एवं लीवर से संबंधित रोग से ग्रस्त थे। 19 जून की रोहता स्थित आवास पर उनकी तबियत अचानक खराब हो गई। तत्काल गांव में ही इलाज किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 बार रहे कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण 2010 के बिहार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। वे नवगठित कुशेश्वर स्थान विधानसभा के पहला विधायक चुने गए। 2015 व 2020 के चुनाव में जदयू के टिकट पर जीतकर लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। पिता ने फौजी के रूप में लड़ी 1962 की लड़ाई, दोनों बेटे बने आतंकी, जानिए पूरी कहानी। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पिछले दिन हुए ब्लास्ट के मामले में अब बड़ी सफलता मिली है। NIA और ATS की टीम ने
कैराना के दो सगे भाइयों को हैदराबाद से दबोच लिया है। इस मामले में अब बड़े राज खुल सकते हैं। दोनों आरोपी यूपी के कैराना के मोहल्ला कायस्तवाड़ा निवासी बताए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों का पिताजी रिटायर फौजी हैं, जो 1962 में भारत की ओर से चीन के खिलाफ युद्ध की लड़ाई लड़ चुके हैं। दरभंगा में योजना का लगा बोर्ड, सड़क निर्माण कार्य रह गया अधूरा। सखी है हमक दुखक नहीं और महाकवि विद्यापति रचित यह पंक्ति प्रखंड की दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 527 पथरा खिरमा से भाया दुधिया होते हुए हनुमान नगर जाने वाली चरचर सड़क पर 16 आनी फील्ड बैठती है। सरकार सड़क पुल पुलिया स्वास्थ्य बिजली शिक्षा समेत कल्याण के कई दावे करती है, लेकिन इस सड़क की जर्जरता सरकार के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। मालूम हो कि इस जर्जर सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत बनाई गई है, परंतु यह योजना सड़क के किनारे गड़े बोर्ड तक ही सिमट कर रह गई। सड़कों की जर्जरता के कारण लोगों की आवाजाही में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 10KFT 3/2 के पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अखलाक ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत 3.730 किलोमीटर लंबी सड़क का वो निर्माण 74.398 लाख की लागत से कराई जानी है। दरभंगा जयनगर एवं NH 527 स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल पथरा खिरमा के सामने सड़क किनारे लगे बोर्ड तक ही सिमट गई है। बिहार में बीएड की प्रवेश परीक्षा टली, 33,000 सीटों पर होना है एडमिशन। बिहार के 350 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड में नामांकन के लिए 11 जुलाई को आयोजित होने वाला कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CET स्थगित कर दिया गया है। इंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मेहता ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि छात्रों में उहापोह की स्थिति होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। 33,000 से अधिक बीएड सीटों पर नामांकन के लिए 1,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 350 बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में नामांकन होगा। अगस्त से नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे इनके नाम। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली गैर आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 3 अगस्त से 3 नवंबर तक हो सकती है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 10 फेज में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 27 अगस्त को होने की संभावना है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार के सभी जिलों में मंगवाई गई रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद चुनाव के कार्यक्रम तय किए गए जाएंगे। इसके बाद उसे राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार में पंचायती चुनाव राज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर नगर निकाय बन चुके हैं। पंचायतों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पंचायत चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की जांच में NIA को मिली बड़ी सफलता। दरभंगा पार्सल विस्फोट की जांच में NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। हैदराबाद के नागबली से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों केमिकल से LED बनाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। धन्यवाद, आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।